सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल। सो आज की जो वीडियो है, हम थंबनेल बनाएंगे यूट्यूब का जो प्रोस्पेक्टेड है उसके अलावा वाइड 1280 पिक्सल, और उसकी जो हाइट है 720, रेजोल्यूशन 72, RGB कलर एंड 8-bit एंड वाइट बैकग्राउंड, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर नज़र आए। देन क्रिएट। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो कोई मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं जैसा कि आपको थंबनेल पे दिखाया है। सो गाइस, ये मैंने मॉडल सेलेक्ट की थी नीचे वाली। इस मॉडल के साथ जो है इसका पोज हम अपने थंबनेल में यूज़ करेंगे। तो ओपन कर लेते हैं वीडियो को। न्यू क्या कहते हैं, एक आपने इसको न्यू ओपन करना है टू फोटोशॉप में, ताकि एक न्यू पेज भी ओपन हो। इसको क्रॉप करने के लिए हम मैजिक टूल यूज़ करेंगे। इसका जो प्रॉपर इजी हो के अपना टाइम लेके आप इसको क्रॉप करें, ताकि ये इजीली क्रॉप हो जाए। देन जो है वो हम क्रॉप करने के बाद अगला काम करेंगे। इसके बाद जो आपने राइट कॉर्नर पे इसकी लेयर क्रिएट कर लेनी है। एक आपको राइट साइड में नज़र आ रहा है, लेयर इसकी क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट हम अपने पेज पे जाएंगे, अपना बैकग्राउंड सेट करेंगे। वहाँ से इस पिक्चर पर क्लिक करके अपने मूव टूल के साथ इसको यहाँ, इसके बाद जो है हम इसके ऊपर राइट करेंगे। जो हमने राइट करना है, जो भी आप राइट करेंगे, जिसका भी थंबनेल आपने बनाना है वो चीज़ आप राइट करें। तो राइट करने के बाद जो है वो हम इसको कॉपी करेंगे, एक ही साइज़ के साथ तीन लेयर बनाएंगे उसी की, और उसको कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद उसको एक दूसरे के नीचे कर लेंगे, ताकि हम उसके ऊपर दोबारा सेट कर सकें और उसको अपने लफ्ज़ों के साथ लिख सकें, जिस तरह मैंने लिखा है गाइस। देन आपने इसको साइजिंग करनी है अपने लिहाज से, जो आपने साइज रखना है, जो थंबनेल आपको बेस्ट प्रोफेशनल लगे उस तरह से, जो मुझे लग रहा है मैं उस तरह उसको बेस्ट वे में करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उस तरह आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आप इसको अपडाउन करें, और इसको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल टी, और अगर इसको ओवर साइजिंग करना है कंट्रोल टी के बाद आल्ट शिफ्ट दबा के आप इसको ओवर साइजिंग कर सकते हैं। देन आपने बॉक्स के साथ इसके ऊपर लेयरें क्रिएट करनी है। ये देखें, बॉक्स सेलेक्ट करें, इसके ऊपर लेयर्स क्रिएट करें। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है मैं लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, आपने इसके ऊपर लेयर्स क्रिएट करनी है। गाइस, इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी लाजमी कीजिएगा जाने से पहले। तो इसको ओवर साइजिंग कर लें जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। कंट्रोल टी दबा के आपने इसको जो है वो साइज़ करना है, जिस तरह आपको पसंद है आपने उस तरह से बनाना है। मैं जस्ट आपको एक वे आउट बता रहा हूँ कि ये किस तरह बनता है। लेने के बाद आपने इसके ऊपर बॉक्सेस बना के उसको बैकग्राउंड के ऊपर बॉक्सेस को ले जाना है ऊपर की तरफ, और जो राइटिंग है उसको उसके अप साइड पे लेके आएंगे तो बॉक्सेस पीछे चले जाएंगे, राइटिंग अप साइड पे आ जाएगी। देन इसको अपने तरीके से साइजेस करने के बाद आपने जो है इसका कलर डिसाइड करना है। जो भी आपको कलर पसंद आए इसके बैकग्राउंड के ऊपर वो कलर आपने डिसाइड करना है। जिस तरह मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे करके खाली जगह पे, तो आपकी ब्लेंडिंग ऑप्शन आ जाएगी। वहाँ पे जाके आप इसके अंदर ग्रेडियंट ओवरले कर सकते हैं, ग्रेडियंट ओवरराइड कर सकते हैं, इस तरह जिस तरह मैं चेक कर रहा हूँ, जो आपको पसंद आएगा जिस तरह आपने उस तरह उसको करना है। तो मैं उस कोशिश करूँ जो मुझे पसंद आएगा, और ये मुझे नाइस लगा, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो अब इसके जो बॉक्स दूसरी जो डिज़ाइन है इसके ऊपर कॉपी कर देना आपने इस तरह। लेकिन मेरी एक कीबोर्ड की ख़राब होने की वजह से जो है वो कॉपी नहीं हो रहा, तो आपने जो है वो दोबारा से सेम डिज़ाइन के ऊपर जाके उसके ऊपर सेम क्रिएट कर लेनी है लेयर। उसके बाद जो है आपने बॉक्स के राइट में जो है ब्लैक लेयर आपने क्रिएट करनी है, और उसको थोड़ा ब्लीक कर दीजिएगा, स्ट्रोक कर दीजिएगा बाहर की साइड पे, और इसी तरह डिज़ाइन की भी आपने आउट साइड पर स्ट्रोक करनी है, ठीक है, जिस तरह हम देख रहे हैं। देन यूट्यूब के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है जो कलर आपको पसंद है। गाइस, कलर जो है वो मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा ऊपर वाले कलर के लिहाज से, सो हम यूट्यूब के कलर से ही रहने देते हैं। आउट शेडो और इनर ड्रॉप शेडो जो है वो इसके ऊपर लेके आते हैं, और उसका कलर जो है रेडी कर देते हैं, ताकि वाइट के ऊपर बुरा ना लगे। और ये थोड़ा सा ये देखें जिस तरह से उभरा उभरा उस तरह से आ जाएगा आपका, तो आप इसको इस तरह सेट कर सकते हैं, ये बेस्ट वे है।
देन इसके ऊपर भी सेम सेट कर लें। देन आपने लाइट जो है वो मुझे ये मिली, गूगल से मैंने डाउनलोड की है, तो ये चारों जो है मैं इधर पे ले आता हूँ। चारों लाने के बाद हम जो है इसके ऊपर, जिस तरह से आपने थंबनेल के ऊपर देखा कि लाइटिंग की है, उसी तरह हम इसके ऊपर लाइटिंग करेंगे गाइस। तो आपने जो है वो इसको सेट करने के बाद आपने देखना है कि जो राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इसकी जो आपने देखना है कि स्क्रीन पे आ रहा है कि ओवरले पे आ रहा है। अगर ओवरले पे आ रहा है इस तरह से लाइट, तो आप ओवरले पे ले आएँ। अगर स्क्रीन पे आ रहा है तो स्क्रीन पे ले आएँ। दोनों में से एक में जो अगर आपका सही नहीं आया तो आपको ब्लैक शील्ड पाएगा बैक साइड पर। तो आपने इसी तरह से साथ को देखें ना, पीछे ब्लैक शील्ड सा आ रहा है, ये देखें ये। अब आप इसको स्क्रीन पे करेंगे तो ये आपका शील्ड गायब हो जाएगा। आप देख रहे हैं शील्ड हैज़ गॉन। तो इसी तरह आपने इसको एडजस्ट करना है लाइट को, जिस तरह से लाइट को सिलेक्ट करें कंट्रोल टी से, और इस तरह से सिलेक्ट करें। अगर कंट्रोल टी के बगैर सेलेक्ट करेंगे गाइस, तो ये आपकी जिस तरह से पहले आपने देखा होगा कि मोम कुछ अलग ही शेप बन जाती है, जिसके बाद वो थंबनेल के ऊपर शो ख़राब होता है, यानी कि फटाफटा शो होगा। तो गाइस आपने कोशिश करनी है कि आपने कंट्रोल टी के साथ इसको साइजिंग करनी है इसकी, कंट्रोल टी ऑल्ट शिफ्ट या कंट्रोल टी से ही खाली, ठीक है गाइस। इसी तरह से इसको स्क्रीन पे करें, चारों लाइटों को स्क्रीन पे इसी तरह स्क्रीन पे ला के तो आप उसको एडजस्ट कर लें इसके अंदर, ताकि जो है वो थोड़ा सा आपका कह लें कि मज़ा आ जाए देखने में। बस जो भी आपके थंबनेल पे क्लिक करें, यानी कि एक दफ़ा बस क्लिक करें और बस जादू थंबनेल देखे और वीडियो को देखने के लिए उसके ऊपर क्लिक कर दे, बस और कुछ नहीं। तो गाइज़ ये हमारी फाइनल लुक है गाइज़ आपके सामने है। तो आई थिंक सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये थंबनेल पसंद आया होगा। तो गाइज़ इसके ऊपर बहुत मेहनत लगी है, ये आपको 10 मिनट में वीडियो दिखा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी वीडियो थी तो मिनिमम 58 मिनट्स की गाइस। तो प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत को सराहें और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसको जो अपने सेव करना है वो हाई के ऊपर रख के करना है, और किसी चीज़ को छेड़ना नहीं, यहाँ से नाप डाउन करके जस्ट 8 क्वालिटी एंड हाई पे रख के एंड सेव कर दें जहाँ पे इसको सेव करना है। तो गाइस प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज।